गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमने कल आपको 3 सेट कराए एक साथ, यानी कि एक एक वीडियो में और 2 सेट एक वीडियो में हमने कराए, यानी कि इवनिंग वाली वीडियो आपकी डबल थी। आज भी ऐसे ही होने वाला है, इवनिंग वाली वीडियो आपकी डबल रहेगी, मॉर्निंग वाली वीडियो आपकी सिंगल रहेगी। यस, सो आपको ये वीडियो देखनी होगी जिससे कि आपके आज 3 सेट निबट जाएंगे, 49, 50, 51, फिर 6 सेट रह जाएंगे तीन तीन करके, वो भी निबट जाएंगे आपके। और उसके सेट में पहले ही करा चुका हूँ फिनिश आपको, 57 तक तो हम लोग करा चुके हैं, करा देंगे आपको, और 57 तक हम लोग पहले करा चुके थे, वो तो SSC स्टेनोग्राफर के, जो आपको प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएंगे इजीली। सेट नंबर 58 बाय सौरभजन सर, ऐसे डालिएगा आपको इजीली मिल जाएगा, कोई भी सेट ढूंढना आपको। फिलहाल आज का जो पहला सेट है वो है आपको 49 सेट, ये भी CGLPRE का ही एग्जाम से आया हुआ है। और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, बिना आपका समय ज़्यादा लिए, क्योंकि समय पहले बहुत कम है हमारे पास में। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्लो स्माइल वर्ड इट्स वे क्रॉस हिज फेस एंड इन टू हिज आइज। अ स्लो स्माइल वर्ड इट्स वे, यहां आप एक प्रॉब्लम देख रहे होंगे कि सेंटेंस कनेक्ट हुआ है एंड से, किससे कनेक्ट हुआ सेंटेंस एंड से। जैसा कि मैंने आपको बताया कई बार, लोग यही वीडियो का रूल लिखा हुआ होगा कल की का, अभी तक तो लिखा हुआ है एंड बट और के दोनों तरफ फॉर्मेशन सेम होना चाहिए, दोनों तरफ फॉर्मेशन सेम होना चाहिए। यहाँ अगर मैं एंड से पहले देखूँ तो फेस है, यानी कि आपका बॉडी का एक पार्ट्स, एंड के बाद भी बॉडी का एक पार्ट्स है। फेस से पहले हिज है, उससे पहले भी हिज है, लेकिन यहाँ इससे पहले प्रपोजिशन है इन टू, जबकि यहाँ से पहले क्रॉस लगाया वर्ब, यानी कि क्रॉस हिज फेस एंड into his eyes। यहाँ समझे बात को आप आराम से, ये दोनों सेम, लेकिन ये एक वर्ब है या फिर नाउन कह लीजिए, और ये आपका एक प्रपोजिशन है, तो दोनों तरफ सेम होना चाहिए था। इसको आप प्रपोजिशन बनाइए, यहाँ पर क्रॉस की जगह आप अक्रॉस लगाइए, ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इस सेंटेंस के बी पार्ट में क्रॉस की जगह आपको अक्रॉस लगाना होगा, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट कहलाएगा। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, ही एक्सप्रेशन गेव नो क्ल्यू ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन अमंग हिज एड। यहाँ पे अमंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, अमंग कस्मात तब करते हैं जब दो से ज़्यादा के बीच में कोशिश बांटी जा रही हो। हीज एक्सप्रेशन गेव नो क्ल्यू ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन इन हिज हेड। ये गोइंग ऑन है, ये पूरा इकट्ठा है, गोइंग ऑन चल रहा है कहाँ, इन हिज हेड, उसके दिमाग में, उसके दिमाग में, यहाँ पर अमंग की जगह इन हिज हेड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इन हिज हेड। यस, सेंटेंस का फॉर्मेशन ये रहेगा, इससे सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस नंबर 3 कह रहा है कि आफ्टर बींग गिवन डैश वार्निंग्स फॉर डिसरप्टिंग क्लास थॉमस वॉज फाइनली सेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस। आफ्टर बींग गिवन डैश वार्निंग्स, सिंगुलर क्योंकि वार्निंग्स है तो सिंगुलर तो यहाँ होने से रहा। लोन एकांत भी नहीं आने से रहा, बिकॉज प्लूरल आगे, यूनिक का मतलब होता है एक, आगे है वार्निंग्स तो ये भी होने से रहा, आपको लगाना होगा सिर्फ और सिर्फ न्यूमरस। आफ्टर बींग गिवन न्यूमरस वार्निंग्स फॉर डिसरप्टिंग क्लास, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। द डैश प्रिटी अगली इम्प्लाइज दैट अ पर्सन कैन बी बोथ अट्रैक्टिव एंड अनअट्रैक्टिव एट द सेम टाइम। प्रिटी अगली का मतलब यहाँ पे कि एक व्यक्ति के अंदर दोनों गुण अट्रैक्टिव भी हो और अनअट्रैक्टिव भी हो, यानी कि एक तरह से यहाँ पर इसमें आपको जो ऑप्शन दिए हैं वो यह ऑप्शन आपको फिगर ऑफ स्पीच के, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं अलंकार, ऐसे आपके इंग्लिश में भी होते हैं अलंकार, उनको बोल देते हैं फिगर ऑफ स्पीच। क्या बोल देते हैं उनको, फिगर ऑफ स्पीच। जो पहला अलंकार है वो आपका सिमिली, हिंदी में मुझे नहीं पता, मैं हिंदी में नहीं बताऊंगा आपको, मैं सिर्फ समझाऊंगा आपको। यस, सिमिली यानी कि जब दो चीज़ों की आप लोग तुलना कर रहे हो, जब दो चीज़ों की आप तुलना कर रहे हो, साथ में तुलना वाले वर्डों का इस्तेमाल भी कर रहे हो,
साथ में तुलना वाले वर्डों का आप इस्तेमाल भी कर रहे हो, उसे बोलते हैं आप सिंबली। क्या बोलते हैं उसको? सिंबली। जैसे कि आप बोल सकते हैं शी वर्कड सी टॉक्स विद मी एज माई सिस्टर, ऐसे तो उसे बोल देते हैं सिंबली। सिंबली के अंदर कुछ वर्ड्स हैं आपके फिक्स आते हैं, जैसे कि एज, लाइक या जस्ट एज, ऐसे कोई ना कोई वर्डों को आना यहाँ पे कंपलसरी है। उससे अगला है मेटाफोर। मेटाफोर भी यही काम करता है, बस यहाँ पे कंपैरिजन वर्ड का यूज़ नहीं होता है। मेटाफोर भी एक अलंकार ही है, इसको शायद हिंदी बोलते हैं रूपक अलंकार, शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, मेरी बात पे आप चेक कर लेना फिर भी एक बार, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में कन्फ्यूज़ होता हूँ मैं। मेटाफोर में भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं, लेकिन कंपैरिजन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, कंपैरिजन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यस ही इज द स्टार ऑफ हिज फैमिली, रोहन इज द स्टार ऑफ हिज फैमिली, रोहन अपने फैमिली का स्टार है, तो रोहन की तुलना यहाँ पे स्टार से कर दी गई। रोहन इज अ स्टार ऑफ हिज फैमिली, यहाँ रोहन की तुलना आपने स्टार से कर दी है, लेकिन आपने कंपैरिजन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। यस बात सुन में आ गई? अगर आप ऐसे कह रहे हैं कि लाइफ इज लाइक अ रेस, तो आपने लाइफ की तुलना किससे कर दी? रेस से, लेकिन तुलना के लिए क्या इस्तेमाल करा आपने? लाइक का। तो ये तो हो गया आपका सिमली, क्या हो गया आपका? ये सिमली हो गया आपका मेटाफोर। उससे अगला जो वर्ड है वो आपका एलिट्रेशन, ये हिंदी में मुझे पता है, इसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। जब किसी शब्द की आवृत्ति यानी कि प्रोनंसिएशन बार 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 हो रही हो। यस स्वेलो कैन स्वेलो अ स्वेलो, अ स्वेलो कैन स्वेलो अ स्वेलो, आई सॉ अ सॉ इन अ सॉ। यहाँ पे एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, स्वेलो 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 सा सा सा, और इनके मीनिंग भी चेंज है, इनके मीनिंग भी चेंज हो तब। उससे अगला है आपका ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन लगाते हैं विरोधाभास के लिए, किसके लिए? विरोधाभास के लिए ऑक्सीमोरन, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन। यस जब दो अपोजिट चीज़ें एक साथ आ जाए तो उसे बोलते हैं ऑक्सीमोरन। जैसे कि मैंने कहा आई एम फीलिंग क्या? स्वीट पेन, स्वीट पेन। अब स्वीट भी है और पेन भी, तो इसलिए अब यहाँ पे भी यही हो रहा है, अगली भी है और प्रिटी भी, ऑक्सीमोरन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑक्सीमोरन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? डी। उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे समझ में आया होगा। बाकी और भी बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच हैं इंग्लिश के अंदर, हिंदी में भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हुआ आपको, ये तो आपके आए तो मैंने आपको समझा दिया, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आपको ये प्रॉब्लम इस तरह की ना करें। नेक्स्ट आपका वोकेबलरी, पहला वर्ड है सीनिज्म। सीनिज्म मतलब नकारात्मक या मोकलापूर्ण भावना किसी चीज़ के प्रति, मस्तीबाजी वाली। पहला ऑप्शन आपका कन्विक्शन, दृढ़ विश्वास या अपराध। बिटरनेस कटुता या कड़वाई। क्रीडेंस विश्वसनीयता। और इंट्यूशन यानी कि अंतरात्मा, अंतर्ज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा बिटरनेस। उससे अगला वर्ड आपका पिनेकल। पिनेकल का मतलब होता है शिखर। क्या होता है पिनेकल का मतलब? शिखर। यस पहला ऑप्शन है कल्मिनेशन, शिखर चोटी। नादिर पाताल या गर्द। नेथरमोस्ट या फिर नेदरमोस्ट का मतलब भी पाताल या गर्द। और बेसल का मतलब होता है बुनियाद, बेस से बना आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कल्मिनेशन। अगला जो वर्ड है वो आपका एंटोनिम्स है। पहला वर्ड है बिफडल। यस बिफडल मतलब किसी को भ्रमित कर देना। बेफल चौंक जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। यस ये भी एक तरह का ये किसी को भ्रमित कर देना। उससे अगला है डेज। डेज मतलब किसी को चौंका देना, स्तब्ध कर देना। फ्लस्टर, फ्लस्टर भी आपका उन्हीं में से एक है जो मीनिंग इसका है। उससे अगला वर्ड है एक्सप्लिकेट यानी कि व्याख्या करके स्पष्ट करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला वर्ड है आपका सप्लेंट। सप्लेंट मतलब किसी को हटाकर उसकी जगह ले लेना, किसी को हटाकर उसकी जगह लेना। पहला वर्ड है सुपर सेट, जो उसी का ही एक मीनिंग है। सरेंडर अपने हाथ खड़े कर देना यानी कि खुद हट जाना एक तरह से। यूजर्व हत्या लेना। और अस्ट किसी को किसी पद से उखाड़ फेंकना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अपने आप हाथ खड़े कर देना, सरेंडर कर देना। नेक्स्ट आपका एडियम। एडियम देखेंगे आप दोनों। पहला एडियम है गेट द मैसेज यानी कि किसी बात को समझना। गेट द मैसेज मतलब किसी बात को समझना। अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्प्लाइड बाय रिमार्क्स और एक्शन, ये ठीक है, पहला ही आंसर सही हो जाएगा इसका, आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उससे अगला है आपका कीप एट बे, किसी चीज़ को कंट्रोल करना।
किसी चीज को, मुसीबत को कंट्रोल करना, कहीं वो आपके लिए ही मुसीबत ना बन जाए। कीप योर प्रॉब्लम्स टू योर सेल्फ, जी नहीं, टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग यू प्रॉब्लम, बिल्कुल सही, इसका आंसर बी हो जाएगा, बी कन्फर्म आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है ग्रामेटिकली पोर्शन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच विल इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। पहला क्वेश्चन है, टॉम प्रिटेंडेड टू नॉट हर्ट अ थिंग। यहाँ पे, यहाँ अगर मैं सेंटेंस के फॉर्मेशन पे चलता हूँ तो मेरी राय में ये सेंटेंस का फॉर्मेशन ही गलत है जो उसने दिया हुआ है, लेकिन क्या करें, आपकी मजबूरी है, आपको ऑप्शन से ही खेलना है। देखिए कभी भी आपको ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, सी सैड डोंट स्पिट हेयर, ये एक डायरेक्ट इंडायरेक्ट का सेंटेंस है, इसको ढंग से देखिएगा। उसने कहा कि यहाँ ना थूके, ये एक ऑर्डर है, आपसे ऑर्डर समझे, हालांकि मना भी कर रहा है, फॉर्मेट से बना सकता आप मेरी, लेकिन आप मेरे कहने पे से आप ऑर्डर से बनाएं, तो क्या बनाएंगे, शी ऑर्डर्ड, लेकिन सेंटेंस नेगेटिव है। अब आपको नेगेटिव पोर्शन लगाना है तो वो नोट टू से पहले लगेगा, नोट टू स्पिट हेयर, नोट टू स्पिट देयर। नोट को कभी भी आपको लगाना हो तो वो टू से पहले ही लगता है जो फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पर टू के बाद लगाया है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। दूसरी बात यह है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, क्या करती है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ये हर्ड है यानी कि हियर की सेकंड फॉर्म है, यानी कि दिया पोर्शन गलत है, ये कन्फर्म है, तो नो इम्प्रूवमेंट तो आएगा नहीं। बाकी ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है हमारे पास में, बाकी जो ऑप्शन है हमारे पास में, पहला ऑप्शन है हियर, हियर यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही इसका आंसर होगा, बिकॉज अगला ऑप्शन है हियरिंग, आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकती। बी हियरिंग, ये भी गलत होगा, सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि इसका आंसर है आपका ए, पहले का आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला देखते हैं, ही मस्ट हैज चेंज क्लोथ ड्यूरिंग द नाइट। यहाँ भी सेंटेंस का फॉर्मेशन गलत है, मस्ट एक मॉडल वर्ब है, मस्ट आपका एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, ऐसा मैं अब कई बार बता चुका हूँ। यस, तो यहाँ पे ये तो कन्फर्म है कि दिया गया पार्ट गलत है, हैज़ की जगह हैव आना चाहिए था, हैव, ये भी पोर्शन गलत हो गया, और ये भी, अब हैज़ हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, दिया गया गलत है तो ये भी गलत है, इसका मतलब आपके पास ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ ए, यानी कि पहले का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्लियर बात, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जरा देखिए ध्यान से क्या क्या रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। पहला वर्ड है डिराइविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लेक्टिंग पेन, यानी कि दूसरों को दुख दे करके खुद आनंद लेना, सैडिस्टिक, याद करें इसको कैसे ट्रिक साथ कर सकते हैं, सैड कर रहा है लोगों को स्टिक मार के, सैडिस्टिक। उससे अगला वर्ड है जेन्युइन, हसमुख, टेंडर, मुलायम या मासूम, इसे याद रखो, 10 से 10 साल के बच्चे बहुत मासूम होते हैं। प्लेसिड मतलब शांत, इसका आंसर हो जाएगा सैडिस्टिक। उससे अगला जो वर्ड है, वन वर्ड है, वो अ पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक, एक ऐसा व्यक्ति जो हाईली स्किल्ड हो यानी कि बड़ा गुणवान हो म्यूजिक में। पहला वर्ड है वर्चुसो, दक्ष या निपुण, अमेचर नौसिखिया जो सिर्फ शौक के लिए काम करता हो, नोवाइस नौसिखिया, डैबलर शौकीन, इसका आंसर हो जाएगा वर्चुसो। नेक्स्ट है आपका स्पेल, आपको बताना है कि चार वर्ड हैं, चारों सेम ही हैं, तो आपको करेक्ट वाला ढूंढना है, करेक्ट वाला ढूंढना है ऐसे में आपको, तो आप मेरी स्पेल सुने और मैच करें। पहला वर्ड जो होगा यहाँ पर हो जाएगा प्लेटेबल, पी ए एल ए टी ए बी एल ई, पी ए एल ए टी ए बी एल ई, प्लेटेबल, यानी कि पहला ही आंसर हो जाएगा स्वादिष्ट या रोचक। उससे अगला जो वर्ड है वो है अनअर्विंग, यू एन एन ई आर वी आई एन जी, यू एन एन ई आर वी आई एन जी, यानी कि इसका भी आंसर पहला ही हो जाएगा, यानी कि किसी को डिग्रेड करना, आपको किसी को डिमोटिवेट करना, किसी को हतोत्साहित करना। नेक्स्ट आपका पी क्यू आर एस, कह रहा है एट लेंथ अबाउट एन आर लेटर, पहला में प्रपोजिशन आया तो आपका पी पी कहलाएगा, प्रपोजिशन पार्ट है, फिर प्रपोजिशन आया, ये भी आपका प्रीपोजिशनल पार्ट है। मैंने आपको हमेशा बताया कि प्रीपोजिशनल पार्ट को सेंटेंस में कुछ नहीं मानते हैं, यानी कि जिस पार्ट में लगा हो प्रीपोजिशन वो आपके लिए कुछ नहीं है, ये नेगलेक्ट है पार्ट आपका, ये भी पार्ट आपका नेगलेक्ट है। सेंटेंस अगर देखा जाए तो यहाँ से स्टार्ट हुआ वी से, जब सेंटेंस वी से स्टार्ट हुआ तो हमें चाहिए सब्जेक्ट, क्या सॉरी वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट आ चुका है वी,
हमें क्या चाहिए यहाँ पे, वर्ब। वर्ब कितनों में, ये देखिए वी के बाद वर्ब ये है, ये दिस वर्ब नहीं है, ऑड वर्ब नहीं, यानी कि सेंटेंस एक्स से स्टार्ट होगा, या तो कि ए या फिर सी, ये कन्फर्म है, यानी कि दो रेस से बाहर। वी स्पाइड अ लिटिल पाइल ऑफ बोल्डर्स राइजिंग, अब देखना है एक्स के बाद में क्या आएगा, या तो जेड या फिर वाई। लेकिन एक बात का और साथ साथ ध्यान रखिए कि सेंटेंस टू पे ख़त्म नहीं हो सकता, टू पे सेंटेंस ख़त्म नहीं हो सकता, तो इसका मतलब एक्स के बाद जेड और जेड के बाद वाई, एक्स जेड वाई, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपका इट, सेकेंडली इट इज़ कंसिस्टेंट, बस सेंटेंस सब्जेक्ट पे आ गया है, वर्ब भी आ चुकी है, अब आपको देखना है कौन सा पार्ट इसका सही हो सकता है। प्लेसेस तो यहाँ होने से रहा क्योंकि वर्ब है, वर्ब यहाँ पहले आ चुकी है, यस लैंड की यहाँ जरूरत नहीं है, लैंड शुड। सेकेंडली इट इज़ कंसिस्टेंट विद ह्यूमन एक्सपीरियंस दैट, अब यहाँ पर दैट सेंटेंस को कनेक्ट कीजिए, दैट के बाद है एक नाउन आया है एक्सपीरियंस, जो कि सिंगुलर है, दैट के बाद वर्ब आएगी एक्सपीरियंस के हिसाब से, दैट के बाद वर्ब आएगी एक्सपीरियंस के हिसाब से, यही बताया गया है, यही पढ़ाया गया है। जब सेंटेंस कनेक्टेड हो आपका दैट विच वट और हु से, तो पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाते हैं, यहाँ पिछला जो सब्जेक्ट है वो है आपका एक्सपीरियंस, क्या है एक्सपीरियंस दैट, अब इसके बाद वर्ब आएगी सिंगुलर वर्ब, कैसी वर्ब आएगी सिंगुलर वर्ब, यानी कि यहाँ पे आपको चाहिए एक्स के बाद में वाई, एक्स के बाद में वाई, एक्स के बाद में वाई कितनों में आ रहा है ए, और एक्स के बाद में वाई यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ तो ये कन्फ्यूजन पैदा कर देगा, तो यहाँ पर कर दीजिए अगर देखा जाए तो। सेकेंडली इट इज़ कंसिस्टेंट विद ह्यूमन एक्सपीरियंस दैट, तो फिर यहाँ पर दैट कंजेशन का काम कर रहा है, आपको एक सब्जेक्ट ढूंढना होगा उसके बाद उसकी वर्ब ढूंढनी होगी। सेकेंडली इट इज़ कंसिस्टेंट विद ह्यूमन एक्सपीरियंस दैट, फिर नया सब्जेक्ट लैंड शुड राइज ग्रेजुअली इन सम प्लेसेस एंड बी डिप्रेस इन अदर्स, जी सेंटेंस हो जाएगा आपका एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई यानी कि डी का आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, नेक्स्ट सेंटेंस आपका एक्टिव पैसिव का, द लेबर्स पेव्ड द एंटायर स्ट्रेच ऑफ द रोड, एंटायर आपकी सेकंड फॉर्म है वर्ब की, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ढूंढना है वॉज वर्ब, वॉज वर्ब कितनों में है फटाफट देखिए, पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है, तो ये या फिर ये, पेव्ड के बाद जो है वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा, द एंटायर स्ट्रेच, द एंटायर स्ट्रेच ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नहीं है और यहाँ पर है, द एंटायर स्ट्रेच ऑफ द रोड वॉज, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सी। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है आपका नरेशन सेंटेंस, नरेशन में क्या कह रहा है, द विजिटर सेड इज योर मदर एट होम, आपको इसकी जगह वॉज ढूंढना है, सेंटेंस क्वेश्चन मार्क्स है, हेल्पिंग ऑफ से शुरू हुआ है, तो आपको आस लगाना है, सेंटेंस कनेक्टेड होगा इफ या वेदर से, किससे कनेक्ट होगा सेंटेंस इफ या वेदर से, ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट के कुछ रूल्स हैं जो मैंने पढ़ाए हुए हैं आपको वीडियोज़ के दौरान, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं वीडियो। द विजिटर आस्क 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 सब में ही है, टू से कनेक्ट नहीं होगा, टू से कनेक्ट नहीं होगा, ये दो रेस से बाहर हुए, यस यानी कि सेंटेंस बी और सी बाहर। द विजिटर आस्क मी, द विजिटर आस्क मी वेदर, यहाँ पर कंजक्शन आई नहीं है, ये बाहर हो गया है, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ डी। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जहाँ मिलेगा आपको पैसेज, एक उस पैसेज को सोल्व करना है, देखते हैं क्या दिया गया है पैसेज में, फटाफट से पढ़ के फटाफट से जवाब देना है। बट बिफोर आई कुड बी इंस्पायर्ड बाय दिस दीज अमेजिंग पीपल, आई हैड टू क्लींज माई फीड, आई नो माई वीकनेसेस, जस्ट लास्ट वीक फेसबुक मेमोरीज रिमाइंडेड मी ऑफ अ पिज्जा पार्टी आई हैड 2 years ago एंड आई एंडेड अप ordering a chicken dominator with garlic bread stick and an jalapeno cheese dip. So much for day one of couch to 5K training. I stayed right on that couch. So far I have unfollowed BuzzFeed Tasty, Test Made, even their adorable tiny kitchen and several people who have the inviolable advantage of being able to eat as much as they want and not put on weight by my calculation, dark chocolate is healthy, so I am still following Earth Loop, Pascati and Mason and Company. When I finally found a gym I liked with the best trainers I have had, I unabashedly shared my workout every day from
shying away from full-length pictures, I reached a point where I could share videos of myself deadlifting and doing back squats with a barbell across my shoulders. It gave me accountability. I challenged myself to go to the gym for 30 class straight, and I did it, which reminds me it is time to start a new challenge. पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पोस्ट रिलेटेड टू विच टॉपिक डज द राइटर वांट टू रिमूव फ्रॉम हर फीड। किस तरह की पोस्ट को वो अपनी फीड से, फेसबुक आईडी से डिलीट करना चाह रहा है। बात हो रही है खाने पीने की, तो खाने पीने से ही संबंधित यहाँ पे बातचीत करेंगे। यस, तो किस तरह की आईडी को डिलीट मार रहा है वो? ऑप्शन हमारे पास में डार्क चॉकलेट, मेकअप, साड़ी, फूड। जी नहीं, फूड की। डार्क चॉकलेट में तो उसने बताया है कि कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। व्हाट वॉज द राइटर सक्सीडेड इन डूइंग, क्या करने में वो बिजी है राइटर? देखते हैं। लॉस द डिजायर वेट, सक्सीडेड इन ओवरकमिंग टेम्पटेशन इन ऑर्डर पिज्जा, अटेंडेड 30 जिम क्लासेस विदाउट अ ब्रेक। जी, यहाँ जिक्र भी हुआ है इसका, अटेंडेड 30, ये रहा आपका 30 क्लासेस स्ट्रेट लगातार, यानी कि तो इसका आंसर यही हो जाएगा, यानी कि सी 22 का सी आंसर हो जाएगा। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेज रिलेटेड टू चॉकलेट, अर्थ लूफ, बस फिट टेस्टी, टेस्ट मेड, टाइनी किचन। तो ये जगह अर्थ लूप, यहाँ पे भी जिक्र इसका हुआ है पैराग्राफ, यानी कि ढंग से अगर आप पैराग्राफ पढ़ें, बहुत तेजी से पढ़ें, तो भी आपका ये काम करके देगा, रूल्स डेफिनेटली फॉलो होगा। यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ एक पैराग्राफ में लाइन हुई है आपकी, आई है, ये पैराग्राफ पे पहुँच चुका हूँ फिर से मैं। यहाँ अगर गौर करें हम, तो कह रहा है कि आई एम स्टिल फॉलोइंग अर्थ लूप, पेस्काटी एंड मेजन एंड कंपनी। यहाँ पर अर्थ लूप है, बाकी और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आपको अर्थ लॉफ ही लगाना होगा। पहले का आंसर हो जाएगा अर्थ लॉफ, 23 का। व्हाट वेट लॉस प्रोग्राम हैज द राइटर एनरोल्ड इन, यानी कि कितने वेट लॉस प्रोग्राम में राइटर ने एडमिशन लिया है। ये रहा आपका ऑप्शन, काउच टू 5K ट्रेनिंग, वन ऑफ काउच टू 5K ट्रेनिंग। यस, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका इसका बी, काउच टू 5K। What gave the writer accountability? क्या जिम्मेदारी दी गई उसको? Sharing her workout videos on social media. Yes, sharing her workout. ये रही आपकी। It gave me accountability. I challenged myself to go to the gym for 30 classes straight and I did it, which reminds me it is time to start a new challenge. उसके ऊपर दिया गया यहाँ पे, I reached a point where I could share videos of myself deadlifting and doing back squat. यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका पहला ही, 25 का। यानी कि इस तरह से ये क्लोट टेस्ट आपका फिनिश होता है। आपको पैसेज को बहुत तेज़ी से पढ़िए, स्पीड से पढ़िए, जिससे कि आप क्वेश्चंस को ढूंढने में आपको आसानी हो। बहुत तेज़ी से पढ़ना है, समझ के नहीं पढ़ना है, फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों की थोड़ी सी पावर कम होती है समझने में। इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो समझ ही जाते हैं इसको बहुत ईजिली, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए थोड़ा सा ये हार्ड पड़ता है। इसलिए आप, मैं कहूँगा सिर्फ आप पढ़ें, आपके 5 मिनट आपको वैसे ही ठीक चले जाएंगे, डेफिनेटली आपको ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दिया गया आज का ये सलूशन संतुष्ट कर पाया होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेट के साथ में, इवनिंग में, सेट नंबर 50 और 51 एक साथ। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब खैर, गुड नाइट। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। चलिए।